तैयार हो रहे होते हो ना समर्स में, तो आपको समझ नहीं आता मेकअप कैसे करें, सनस्क्रीन कौन सा लगाएं, कपड़े कैसे पहने, क्या करें क्या ना करें, इतने सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स आपके मन में होते हैं। तो सभी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। समर हैक ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज क्लोथिंग से भी रिलेटेड समर हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, बाय बाय। बी नेचुरल के लिए वीडियो शूट हो रहा था, जो कि अब ये कुछ पार्ट हम अपने व्लॉग चैनल पर डालेंगे। अब ये क्या कर रहे हो तुम? ये भी पॉजिटिव के लिए डीआईवाई है। इसका कलर किस तरह लग रहा है? ये थोड़ा सूख गया बोलते बोलते, पर ये कुछ और लग रहा है मुझे। बाबू तुम हटो यार। हाँ ठीक। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। पिक्सल फट रहे हैं यार, मतलब रात के 11:30 बज रहे हैं, फिर भी देखो यार कितना लोग आ जा रहे हैं इतनी रात में भी। बैक कैमरे से दिखाते हैं एक लुक के 11:30 बजे, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। वो हाईवे पे देख रहे हो आप, सच में मुंबई सोती नहीं है। अभी हम व्लॉग मोबाइल से बना रहे हैं, तो हो सकता है पिक्सल आपको फटते हुए नजर आएंगे। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यार मुंबई सच में नहीं सोती, जागती रहती है। दिल्ली में तो सन्नाटा चंदा हो मामा है ना बाबू, दिल्ली में सन्नाटा हो जाता है इस टाइम। बस सब अपने घर से चांद देख लेंगे बाबू, कितना दिखाओगे मोबाइल से फटे हुए पिक्सल में चांद। बाहुबली I really like this portion. I just love my house. यहाँ से वो ब्लॉक ऑफ भी अच्छा लगता है ना? ये देख लो, पोल खुल गई। First time morning vlog. हाँ, हम बाहर का आपको व्यू दिखाने वाले थे। यहाँ हालत खराब हो जाती है, आप देख रहे हैं जैसे कि जो लाइट आ रही है ना, कर्टन लगे हुए हैं, एक नहीं दो लगे हुए हैं, और सीधा ही सूरज देवता जी के दर्शन से होते हैं। देख सकते हैं ब्राइटनेस इतनी है, बैक कैमरे से दिखाऊंगा। ओए ओए ओए, आंखें नहीं खुल रही मेरी। सीधा ही धूप यहाँ पर आती है, जिससे कि टैन होने की समस्या ज़्यादा है। तो अभी कुछ देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में होता है ना नीले रंग का काफ़ी बड़ा पर्दा होता है, बांस का होता है, उस पर आगे एक नीले रंग का कपड़ा लगा होता है, पीछे लगा होता है, और रस्सी खींचते हैं, रोल होके वो ऊपर हैंग हो जाता है, फिर एक बटन दबाते हैं, ऐसी रस्सी खींचते हैं, पूरा खुलते हुए नीचे आ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर की साइड जो ये वॉल है ना, इस वॉल के बैक साइड आउटसाइड पे हम लगाए, ताकि रात को नीचे करके सो गए, ताकि सुबह उठते ही इतनी तेज धूप ना आए। टैन होने की समस्या है, पिगमेंटेशन होने की समस्या है, रिंकल आने की समस्या है। तो देखा तो भी गई है। क्या कर रहे हो बाबू? बारे में कुछ आवाज नहीं कर रही है, कुछ निकालो आवाज भाई। क्या कहते हैं उसको आप लोग बताओ, उसको क्या कहते हैं जो ब्लू वाला होता है ना, दिल्ली वाले बताओ क्या कहते हैं। मैंने समझा दिया। अरे यार कहाँ मिलेगा मुंबई में ये तो बताओ। मुंबई में कहाँ मिलेगा ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने किसी के फ्लैट में नहीं देखा है। कोई सॉल्यूशन बताओ उसका, क्या कर सकते हैं उसके लिए, देखते हैं। रात को देर से सोए थे ना, तो फिर इसीलिए उठा नहीं जा रहा है। टाइम से सोते हैं तो उठ जाते हैं। रात को शूट किया है, देख सकते हैं। अभी मैंने विंडो खोला नहीं है, तो हम यहाँ सोच रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ लगा देंगे, ताकि रात को खोल कर सो गए और धूप ना आ पाए।
यह फायदा है कि आप लेट सोए या जल्दी सोए आंख खुल जाती है, धूप इतनी तेज आती है ना, और कुछ इतनी वेव्स होती हैं कि आपको उठना ही पड़ेगा। तो डबल कर्टन लगा रखा है, और जिससे कर्टन लिया था उसको बोला भी था कि इस पर शेड होना चाहिए, कोई डार्क मोटा पर्दा होना चाहिए। जी हो जाएगा, जी हो जाएगा जी। अरे आपके घर में चार चांद लग जाएंगे, लोग पूछेंगे आपके चैनल पे कहाँ से लिया कर्टन, कहाँ से लिया बेड। कुछ चीज़ें अच्छी है नो डाउट, पर कुछ चीज़ें पोपड़ी बना दिया हमारा। तो रेखा जी, आप लोग कह रहे थे ना मॉर्निंग का व्लॉग पूरे डे का दिखाइए, तो दिखा रहे हैं। और देखो ये भाग रही है, ये भाग रही लड़की। चलिए न्यूज़पेपर और दूध आ गया होगा, बाहर रखा है, वेट कर रहा है। अरे उठा लो भाई, हमें भी खुद को, आप उठ चुके हो तो ये मोबाइल से पूरा शूट हो रहा है, आपको आइडिया तो लग गया होगा। मेकअप में अप टू 60% ऑफ चल रहा था, मैं आपको कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो कि न्यू लॉन्च है। न्यू लॉन्चेस किसे नहीं पसंद, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और वेट करती हूँ कब न्यू लॉन्चेस मुझे मिलेंगे। तो जो प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ उन सबका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। वीडियो व्लॉग स्टार्ट इतने बजे होगा, तो 2 मिनट स्किप करके आप अपना व्लॉग स्टार्ट, मतलब हमारा व्लॉग देखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले इनकेस अगर आप मेकअप स्किन केयर में इंटरेस्टेड हो तो अभी देख लो मेकअप में 60% ऑफ कौन कौन सी चीजों पर आपको मिल सकता है। कुछ ऑप्शन मैंने लिंक में दे रखा है, कुछ ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो न्यू लॉन्चेस में NYB का नेल पेंट मैंने आपको कल दिखाया था बी नेचुरल पे, अमेजिंग। आपको कौन सा वाला पसंद आया आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं मुझे। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ कि NYB का नया फाउंडेशन लॉन्च हुआ है। अब तक उनका कंसीलर ही मैंने देखा था, फाउंडेशन आई डोंट थिंक मैंने देखा था, नहीं देखा था। तो ये बहुत सारे शेड्स में है, पैकेजिंग क्यूट लग रही है। तो इसके बारे में अगर फुल रिव्यू चाहते हो ना, मैं भी डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डिटेल में आपको तब बताऊंगी जब आप कमेंट करके पूछोगे। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन सब के ऊपर सेल है, न्यू लॉन्चेस है, आप मुझे बताओ किसका डिटेल रिव्यू चाहते हो, ठीक है। और इसके बाद गुड वाइब्स प्लस रेंज निकला है, GV प्लस रेंज, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी की चीज है। प्रीमियम गुड वाइब्स ने इतनी तरक्की कर ली है, ओ माई गॉड, इनकी पैकेजिंग तो देखो, वाव। ये ग्लास बॉटल है, ग्लास जार है, ये वाला बॉडी लोशन है, एज डिफाइनिंग मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा और विटामिन ई वाला है, और ये वाला है फेस वॉश, वाव, बहुत ज्यादा लग्जूरियस। देखते ही, मतलब वेबसाइट पे देखते ही मेरा दिल आ गया है, अब ये मेरे हाथ में है। आप बताओ रिव्यू देखना है इसका, बच के रहना पड़ेगा, कांच का है टूटने का डर है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा। अच्छा इसके और भी बहुत सारे रेंजेस है, आप बोलो तो मैं वो वाले भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा मेरे ऑलरेडी कुछ व्यूवर्स ने इसके रिव्यू के लिए कमेंट कर दिया है, तो आने वाले एपिसोड्स में देखोगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये एलोवेरा लेमन सॉफ्टनिंग रेडिएंट जेल है, मतलब जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाओ लग रहा है ना, मस्त प्रीमियम क्वालिटी का। और इसके भी फ्रेग्रेंस बहुत, बाहर से ही मतलब खोला नहीं और खुशबू बाहर तक आ रही है, बहुत अच्छी है। लुक एट दिस,
इट्स सो ब्यूटीफुल. मेरी इससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है. बाय द वे सेम ड्रेस मैंने पहनी है जो मैंने बी नेचुरल का शूट किया था, तो ड्रेस अभी व्लॉग में अलग है, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक हाईलाइटर दिखा रही हूँ. अब ये न्यू लॉन्च नहीं है लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने कल के बी नेचुरल की वीडियो में इसको लगाया था हाईलाइटर लिप्स के ऊपर, तो आप लोग पूछ रहे थे. तो ये ही वाला है, बहुत कमाल का हाईलाइटर. इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 कलर्स आपको मिल जाते हैं. हार्ट शेप की पैकेजिंग में आता है और वाओ जस्ट लुक सो क्यूट क्यूट. मुझे क्यूट पैकेजिंग वाले मेकअप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मेकअप हो, स्किन केयर हो, कुछ भी हो. अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको फाउंडेशन दिखा रही हूँ. ये वाला फाउंडेशन मैंने फिलहाल अपने फेस पे यही वाला फाउंडेशन लगा रखा है. मैं जो भी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ उसके अंदर फेशियल ऑयल की 2 बूंदें ज़रूर मिक्स करके यूज़ करती हूँ. तो CV3 का ये ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है. समर्स के लिए बहुत अच्छा है. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, एक्ने होते हैं फेस के ऊपर, तो इस तरीके का फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो. ये ऑयल कंट्रोल करता है. फिलहाल जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है अपने लिप्स पे, वैसे ये डार्क कलर है, मैंने थोड़ा सा ही लगा रखा है तो आपको लाइट नज़र आ रहा होगा. ये फेसेस का है और ये भी बहुत अच्छी पैकेजिंग में है. तो इसके भी बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास, आप बताओ आप इसका रिव्यू चाहते हो तो. एक ये भी है फेस शिमर पाउडर, तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी. ये देख रहे हो, ये स्पंज से आपको लगाना होता है, शिमर है इसके अंदर पूरा, ग्लिटरी ग्लिटरी. तो लेट मी नो इफ यू वांट द रिव्यू. अगर आप समर्स के लिए एक अच्छा सा प्राइमर ढूंढ रहे हो जिसके अंदर SPF भी हो, तो ये SPF वाला आप देख सकते हो प्राइमर, जो आपके पोर्स के गड्ढों को भर देता है. और ये टिंटेड प्राइमर है, मतलब इसको लगाओगे तो आपको एक हल्का सा शेड भी नजर आता है. ये देख रहे हो आपको, मतलब अगर आप BB और CC क्रीम छोड़ना चाहो, नहीं लगाना चाहो, सिर्फ एक प्राइमर ही लगा लोगे फेस पे, तो ये उसका भी काम कर सकता है. बस ये लगा के थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दो, काम खत्म और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. तो ये फेसेस का है, ये भी काफी अच्छा है. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है. हो सकता है कुछ चीजें मैंने इंक्लूड ना की हो, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाकर के, अप टू 60% ऑफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है मेरा सेल्स अनाउंसमेंट. आप मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू चाहते हो. कुछ चीजें न्यूली लॉन्च हो जाती है जो मुझे भी नहीं पता होती, आप कॉमेंट करके बता दिया करो यार. कभी कभी मतलब छूट जाता है, भूल जाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ. तो कोई भी न्यू ऑफर, न्यू लॉन्च आपको दिखता है, आप उसका रिव्यू चाहते हो, मुझे बताओ, मैं दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी, और फिर आप यू नो डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसकी चीज जरूरत है या उस चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चलिए आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो स्टार्टेड. गुड आफ्टरनून. तो हमने सोचा था कि आज पूरा मॉर्निंग व्लॉग शूट करेंगे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. तो मॉर्निंग का वो सीन था, उसके बाद हम वीडियो अपलोडिंग में थोड़ा बिजी हो गए, तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, फ्री हुई हूँ, जा रही हूँ लंच करने. सोच रही हूँ आपको भी लेके चलूँ अपने साथ. अच्छा यार, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ना समझ नहीं आता है क्या खाएं. आई जस्ट हेट टू ईट चपाती. मुझे चपाती बिल्कुल नहीं पसंद गर्मियों में खाना, तो मोस्टली आई प्रेफर टू ईट दाल चावल अचार और सब्जी. तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ईट नाउ. लाइट्स ऑन कर देती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा कुछ. वेरी हॉट यार, मुंबई में तो एकदम जबरदस्त वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है. आपके शहर का मौसम क्या है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा. फिलहाल मैं क्या खा रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ.
आज तुमने बोला था ना पूरे दिन भर का ब्लॉग बनाना है, तो तुम्हारे कारण बस बस खाने का बनाया हो फिर अब। प्रिंस काम हो गया जिस काम से गए थे मेरे लिए। हाँ ये देखो प्रिंस के लिए एडवांस में बना के रखा था, प्रिंस ने बोला था मैं एक घंटे में आ रहा हूँ और आते ही प्रिंस के यार ये नमकीन क्यों मिला था। अच्छा रुको रुको मत पियो, मैं तुम्हारे लिए पीठा बना के रखती हूँ, पानी दे। अच्छा हमने जैसे आपको सुबह भी बोला था और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, प्लीज क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं ये बताने में कि इस पर्दे के पीछे जो दिल्ली में ब्लू कलर का मोटा कपड़ा होता है रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, मुंबई में कहाँ से मिलता है, क्योंकि शाम का वक्त है तो बहुत सही है। जब आ जाती है सुबह हम लोग भाग रहे होते हैं पागलों की तरह धूप से बचने के लिए, क्या कोई है जो बताएगा, क्या कोई मदद करेगा हमारी। And I just love to walk over here. It's really amazing. तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है और यहाँ पे नीचे आता है और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ लेने के लिए, प्रिंस ने बोला है कि तुम जाओ लेके आओ, तो लेट्स सी, तो चलो मैं आपको आज लेके चलती हूँ नीचे। तो जाऊँ मैं, तो जाऊँ, ओके खुल गया, तो मैं जा रही हूँ नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेने के लिए। ओके तो चलो
तो ये है हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी लॉबी, रिसेप्शन एरिया, मतलब यहाँ पे फिलहाल खाली है, कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई गेस्ट वगैरह आए, वेटिंग रूम है, किसी से मीटिंग आपको करनी है तो यहाँ बैठ करके कर सकते हैं। मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, किसी और दिन आपको अच्छे से कैप्चर करके दिखाऊंगी। काफ़ी बड़ा है, यहाँ का इंटीरियर बहुत प्यारा है, मतलब इसकी सीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो किसी दिन हो सका तो क्या पता है, मीट एंड ग्रीट यहाँ रख दें। ये क्या हो रहा है, ब्लॉगिंग पे ब्लॉगिंग। प्रिंस हैरान है कि बिल इतना कम क्यों आया है, कितना बिल आया बाबू? 1010 रुपए का बिल आया है, हमने ज्यादा कुछ ऐसे यूज भी नहीं किया था। उम्मीद थी ज्यादा कुछ आएगा, ज्यादा आने की उम्मीद है, जो लोगों को 100-200 रुपए भी महंगे लगते हैं, आपको 1000 बिल आ रहा है तो वो कम लग रहा है। अच्छा, 2 महीने का 1000, वाह ऐसा कैसे हो गया? हाँ, 3 BHK में वैसे ज़्यादा आता है, चलो इतना आए तो सही रहेगा, इतना ही बिल आए तो। जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी नहीं करते, जब भी लाइट्स ऑन होती है सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम, अदरवाइज हम तो अंधकार और अंधेरे में ही रहते हैं। तो मैं पहली बार गई, नीचे का लॉबी पूरा रिकॉर्ड किया, बाबू कितना अच्छा है नीचे ना, इट्स वेरी लग्जूरियस, मैंने कर लिया रिकॉर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। चलो अब वहाँ पे ना और भी बहुत सारी एमेनिटीज हैं जो हम सोच रहे हैं आपको दिखाएंगे, स्विमिंग पूल है, पार्क है, जिम है, खेलने के लिए बैडमिंटन का वो जो ग्राउंड होता है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको सब दिखाएंगे। रिसेंटली हमारे एक व्यूवर ने कमर्शियल आर्टिस्ट, अब उनका नाम क्या है वो नहीं पता, उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ करके हमें भेजी है, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतना प्यार दुलार देने के लिए। आप नहीं होते तो हमारा व्लॉग चैनल भी नहीं होता, आप जैसे सारे सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद। इतने सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स प्लीज़ करते रहा करो, कॉमेंट्स करने में कंजूसी मत करना, आज आपका कॉमेंट फ्लैश नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल ज़रूर हो जाएगा, कल नहीं तो अगला कल, मतलब करते रहोगे तो फ्लैश होगा ना। मेरा काम है आपके कमेंट्स को दिखाना, हम लोग दिखाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। और हाँ, प्रिंस से मिलने के लिए मैंने चैलेंज किया हुआ है प्रिंस को, मैंने बोला है गिन के 2 लोग आएंगे, देखते हैं आप लोगों ने प्रॉमिस तो किया है कितने लोग आ पाते हैं, सो लेट्स सी कौन ये जीतता है चैलेंज, मैं या प्रिंस। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय।